Okay, welcome to TUI Campus Life Class Day 20. And the topic of the day, Abnormal Warp Frequency. So before we start our session, first of all, we should know about adverb. So how many students know about adverb? Kitne students hain jo adverb ke bare mein jante hain? Please raise your hand. I think I told you in last session. Yeah, Aruna Dubey. Yes, please. Yeah, Aruna Dubey. Okay, मैं पहले आपको बता देता हूँ एडवर्ब क्या होता है, फिर मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, यू नो वेरी वेल, और एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। एडवर्ब एज द नेम इंडिकेट्स, एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, एड प्लस वर्ब से बना है। तो एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सैंग ब्यूटिफुली, तो इसमें शी ब्यूटीफुल है या उसने जो गाना गाया है वो ब्यूटीफुली गाया है? सर सॉन्ग, हाँ, उसने जो गाना गाया है। सो यहां पर ब्यूटीफुली जो वर्ड आया है वो उसके गाना गाने को लेकर आया है, तो इसलिए ब्यूटीफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यस सर। तो एडवर्ब जो होंगे वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब, जैसे ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे जो हार्ड आया है वर्ड, ये उस वो कैसा काम करता है इसको बता रहा है या वो हार्ड है ये बता रहा है? हाँ, उसके वर्क को बता रहा है। ही वर्क्स हार्ड, दैट्स व्हाई हार्ड इज एन एडवर्ब। सो एडवर्ब जो होंगे वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं ही केम क्विकली, तो इसमें वो कैसे आया है, क्विकली, तो क्विकली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके आने को डिस्क्राइब कर रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है? उसके आने, यानी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर उसको डिस्क्राइब कर रहा तो ही इज क्विक होता। ओके, सो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को एक क्विक एग्जाम्पल दूंगा, सो दैट आप जान जाए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई काम हमेशा करते हैं, सो कोई एक वर्ड बताइए जो आप हमेशा करते हैं, उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? I always sleep and eat. तो आप स्लीप और ईट कितना करते हैं, हमेशा करते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा वर्ड बताइए जो आप कभी नहीं करते हैं। बताइए, आई कभी नहीं करें, क्या यूज करेंगे, नेवर। सो आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, नाउ द सेकेंड, तो पहले में आपने क्या बोला, आई ऑलवेज गो टू ईट एंड स्लीप, आई ऑलवेज ईट एंड स्लीप। और दूसरा आपने बोला आई नेवर टेल अ लाई। आप कोई एक काम ऐसा बताइए जो आप कभी कभी करते हो, मतलब सम टाइम करते हो। आप कभी कभी मार्केट जाते हो, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आई गो टू मार्केट, हाँ, आई सम टाइम गो टू मार्केट, या आई गो टू मार्केट सम टाइम, या आई सम टाइम गो टू मार्केट। और एक काम जो आप अक्सर करते हो, अक्सर मतलब ये होता है ना प्रायः, मतलब रेगुलर, मतलब लाइक आप हमेशा तो नहीं, बट जब भी आपको मौका मिलता है वो आप करते हो। जैसे आप अक्सर अपने दोस्त से मिलने जाते हो, ठीक है, तब आप कैसे बोलोगे, आई ऑफन। अक्सर की होती है, प्रायः की होती है, ऑफन, ऑफन की इंग्लिश होती है ओ एफ टी ई एन, आई ऑफन गो टू माई फ्रेंड हाउस। अब इन जितने भी सेंटेंस मैंने बोले हैं, इसमें मैंने एक वर्ड बोला है। पहले सेंटेंस में मैंने क्या बोला, ऑलवेज, रिमेंबर क्या बोला मैंने पहले में, ऑलवेज, यस। सेकेंड में मैंने क्या बोला, नेवर। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, एंड थर्ड में मैंने क्या बोला, समटाइम, फोर में मैंने क्या बोला,
ऑफन, ओ एफ टी एन ऑफन. तो ये सभी वर्ड जो है वो ये बता रहे हैं कि आप कब क्या करते हैं, कितना करते हैं. जैसे आप हमेशा, कभी कभी, ठीक है ना, नेवर, कभी नहीं. सो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एडवर्ब हैं, और ये क्योंकि ये एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये वर्ब को बता रहे हैं कि आई ऑलवेज ईट एंड स्लीप. तो ये ऑलवेज किसके लिए आया है, आपके लिए आया है कि जो आप करते हैं उसके लिए आया है, जो आप करते हैं. आप क्या करते हैं, हाँ, खाते हैं और सोते हैं. और कब और खाते सोते हैं, हमेशा. तो ऑलवेज उसके लिए आया है. आई नेवर टेल अ लाई. आप क्या नहीं करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं. तो ये नेवर किसके लिए आया, आपके झूठ ना बोलने के लिए आया है. इसी तरह से समटाइम है और इसी तरह से ऑफन है. सो इन्हीं को हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि हाउ ऑफन या हाउ मच, हाउ ऑफन यू डू एक्शंस, मतलब आप कितनी बार या कितना एक्शन यानी कितना काम करते हो. और प्राइमरली सिक्स हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं. मैं आपको इसको स्क्रीन शेयर करके बताता हूं, सो दैट आप उसको नोट कर लीजिएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने होते हैं. सो माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. यस सर. अभी आप देखो यहां पे 1, 2, 3, 4, and 5. What is the meaning of fourth adverb of frequency? Rarely वाली. अभी मैं बता रहा हूं. इसमें एक और add कर लीजिएगा, never. But ये है always, usually. एक और add करिएगा. इसमें एक और होगा. मैं आपको add कर देता हूँ. Good evening, sir. Good evening. Yeah. So हमारे हाँ देखिए कितने सिक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अच्छा नेवर फाइव ही है. ओके, मैंने नेवर ऑलवेज यूज कर लिया है. ओके सॉरी. ओके नाउ देखिए कौन कौन सा, ऑलवेज, नेवर, हाँ एक और नहीं यूज किया, समटाइम. सिक्स होंगे, एस ओ एम ई सम टाइम. ओके सो यहां पर ये फाइव बहुत कॉमन है, जिसमें ऑलवेज सबसे कॉमन है. आई थिंक हम इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपनी स्पीकिंग में. सेकंड, ऑलवेज मींस होता है हमेशा. सेकंड नंबर पर आता है नेवर. नेवर मतलब कभी नहीं. जब आपको किसी वर्ड में हमेशा यूज करना है तो आप ऑलवेज यूज करेंगे. यूजुअली होता है आमतौर पे, नॉर्मल वे में. आप जैसे कहें कि आई यूजुअली गो टू मार्केट, मतलब मैं यूजुअली आमतौर पे मार्केट जाता हूं या जाती हूं. ऑफन माने होता है अक्सर या कभी कभी, प्रायः. और ये रेयरली के बारे में जो बताता, ये होता है दुर्लभ, बहुत मुश्किल से. जैसे कोई एक ऐसी जगह है जहां आप बहुत कम जाते हैं, बहुत कम मतलब ना के बराबर जाते हैं. देखिए नेवर तो ये शो करता था कि आप जाते ही नहीं हो, कभी नहीं जाते हो. और रेयरली होता है मतलब आप मुश्किल से. तो आई रेयरली गो टू मार्केट, ये शो करेगा कि आप रेयरली जाते हो, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, मुश्किल से जाते हो. और सम टाइम तो कभी कभी होता है. तो ये सिक्स जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनको नोट कर लीजिए, एंड दे आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फिर मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं. इनको नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, no, sir, हाँ, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, यू स्क्रीन शॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो. ओके सो ठीक है. ये सिक्स, हाँ ओके, सिक्स कौन कौन से हैं, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, ऑफन, रेयरली एंड समटाइम. सर ऑलवेज, नेवर, यूजली, ऑफन, रेयरली, सर एक बार फिर से बता दीजिए. देखिए सिक्स हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं. एक बार फिर से समझ लीजिए. नंबर वन ऑलवेज मींस हमेशा, जब आप हमेशा बोलते हैं तो ऑलवेज लगाते हैं. सेकंड नंबर पे है नेवर. नेवर मींस होता है कभी नहीं. यूजुअली मतलब आमतौर पे, अक्सर मतलब कॉमन वे में. जैसे आप कहें आई यूजुअली गो टू मार्केट, दैट्स मीन आप
यूजुअली आमतौर पे जाते रहते हैं। ऑफन मीन्स होता है अक्सर प्राय, कोई काम जब आप अक्सर करते रहते हैं प्राय करते रहते हैं उसमें ऑफन लगता है। रेयरली मतलब होता है बहुत मुश्किल से, दुर्लभ मतलब ना के बराबर। जब आप रेयरली लगा देंगे तो सामने वाला समझेगा कि आप ये काम ना के बराबर करते हैं। जैसे आप कहते हैं आई रेयरली गो टू मार्केट, तो हम समझेंगे कि आप बहुत कम मार्केट जाते हैं, शायद ही आप मार्केट जाते हैं, या ना के बराबर मार्केट। और समटाइम मतलब कभी कभी आप जाते हैं, बट समटाइम, सो आई समटाइम गो टू मार्केट। तो ये सिक्स हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं इसको स्टॉप करने जा रहा हूं शेयर स्क्रीन को, और फिर मैं अरे नोट करना चाहेंगे क्या? यस सर, मैं लेट हो गई थोड़ी आज। ओके ओके, नाउ क्विक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू और अभी मैं व्हाइट बोर्ड करता हूं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड दिस टाइम आई विल यूज व्हाइट बोर्ड। ओके, सो अभी क्या है ना, अब मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूं। तो फर्स्ट आपको मैं यूज करके बताता हूं ऑलवेज। ओके, मींस अगर मैं यहां पे लगाता हूं Always, always, always play game. That's me. Three. इसका means क्या हुआ? इसका means हुआ मैं हमेशा game खेलता हूँ। आप कब कब गेम खेलते हो? तो आप क्या बोलोगे? आई ऑलवेज प्ले गेम, मैं हमेशा गेम खेलता हूं। तो इसमें जो ऑलवेज है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये बता रहा है आप कब गेम खेलते हो, कितना गेम खेलते हो, है ना? तो आपकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, तो आप हमेशा खेलते हो, तो यहां पे क्या लग गया है? ऑलवेज। ओके ना, नाउ सेकेंड, अब इसी सेंटेंस में मैं क्या करता हूं? नेवर यूज करता हूं। आई नेवर प्ले गेम। ओके, दैट्स मीन मैं गेम खेलता ही नहीं हूं, कभी नहीं खेलता हूं मैं। तो आई ऑलवेज प्ले गेम मीन्स आप गेम खेलते हैं, हमेशा खेलते हैं। और इसी का नेगेटिव होता है आई नेवर प्ले गेम, मतलब मैं गेम कभी खेलता ही नहीं। सो हमेशा, नेवर मींस कभी नहीं, और ये दोनों फ्रीक्वेंसी होते हैं। ओके, सो ऑलवेज एंड नेवर, ये बता रहे हैं कि आप हमेशा खेलते हैं, ये बता रहे हैं आप कभी नहीं खेलते हैं। तो दोनों आपकी फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं कि आप कितना खेलते हैं या कब खेलते हैं, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मतलब कब, कितना। नाउ अभी मैं पूरे सिक्स के सिक्स एग्जाम्पल्स में मैं शो करूंगा। अब मैं बोलता हूं आई ऑफन, ओ एफ टी एन, आई ऑफन प्ले गेम। गेम दैट्स मीन, देखिए फर्स्ट का क्या है, आप हमेशा खेलते हैं। सेकेंड मतलब आप कभी खेलते ही नहीं है। एंड द थर्ड वन आई ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर प्राय, यहां पे आप रेगुलर नहीं है, बट हां जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको मौका, प्लीज डोंट डू दिस शैलेंद्र, जब भी आपको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो आप अक्सर गेम को खेलते हैं। सो इन तीनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इज आई ऑलवेज प्ले गेम, मतलब आप हमेशा खेलते हैं। नेवर मतलब आप कभी खेलते ही नहीं है, और ऑफन मतलब आप अक्सर खेलते हैं, प्राय खेलते हैं, जब भी आपको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो आप उसको खेलते हैं। दैट्स मी। एंड यस हाइक, प्लीज डोंट डू दिस ऑन द बोर्ड, अदरवाइज आई विल रिमूव। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी हमारे थ्री हुए हैं जबकि सिक्स मैंने बोले थे, और अभी अगला जो है वो हमारा है यूजली। हाँ,
सो आई यूजुअली प्ले गेम आई रेयरली बता देता हूँ आ रही जस्ट मिनट ना इसी भी तरह से हम बना लेंगे ऑलवेज की जगह पे हम यूजुअली लगा देंगे तो आई यूजुअली प्ले गेम दैट्स मीन मैं यूजुअली मतलब आमतौर पे गेम खेलता हूं अब यहां पे रेयरली अगर कर दीजिएगा तो मतलब आप बहुत ही कम ना के बराबर गेम खेलते हैं ठीक है ना आई रेयरली प्ले गेम मतलब मैं बहुत कम ना के बराबर और आई सम टाइम प्ले गेम मतलब कभी कभी आप गेम खेलते हैं तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे है ना ऑलवेज नेवर ऑफन रेयरली यूजुअली एंड समटाइम सर यस यूजुअली ऑफन ऑफन हाँ हाँ बता दीजिए अभी अभी बताता हूँ ये इरेज करिए इसे प्लीज इरेज करिए हु इज डूइंग दिस सर इट इज टू दिस ये कौन करता है इसके ऊपर डोंट राइट ओके नाउ विवेक कर रहा है विवेक मैं रिमूव कर दूंगा यूजुअली गेम मैं अक्सर आमतौर पे जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं गेम खेलता हूं एंड आई रेयरली प्ले गेम मैं बहुत ही कम मुश्किल से ही शायद मैं गेम खेलता हूं और यही पर आई सम टाइम लगा दी सो आपको कुछ यूज होना का ना बस यही एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यहां पे यूज करना होती है ओके सो इस तरह से हम हमारे सिक्स के सिक्स मैं अभी आपको फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताता हूं अगेन ये है हमारे सिक्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिएगा ऑलवेज नेवर यूजुअली ऑफन रेयरली एंड Sometimes. सर यस सर हम लोगों की परसेंट नहीं लगेगी यस बेटा सर हम लोगों की परसेंट नहीं लगेगी अभी लगेगी अभी लगेगी अभी लगेगी डोंट वरी अबाउट इट अभी आप स्टडी करो सो ये हमारे हो गया तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सो अभी आपको पता चल गया ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं यस सर सो Please raise your hand and I will ask one more example of every student. एक एक एग्जाम्पल मैं हर स्टूडेंट से पूछूंगा और फिर मैं अगले स्टेप पे आता हूँ प्लीज रेज योर हैंड ऑल द स्टूडेंट्स यस एंड ओके दिनेश जैनो यस ओके खुशी खुशी चौहान आई ऑलवेज ईट फूड और इसी का नेगेटिव बना दीजिए आई नेवर ईट फूड आई ऑलवेज ईट मैं हमेशा खाता हूं आई नेवर मैं कभी नहीं खाता हूं ऑफर लगा देंगे तो मैं अक्सर खाता हूं अगर आप रेयरली लगा देंगे तो बहुत ही कम मुश्किल से मैं खाता हूं अगर आप सम टाइम लगा देंगे तो कभी कभी खाता हूं वेरी गुड विनीता प्रतीक यस सर थैंक यू तो बर्गर आप कभी अगर आप कभी नहीं खाती तो आप क्या बोलेंगी आई नेवर ईट बर्गर और अगर आप हमेशा खाती हैं तो आप क्या बोलेंगी आई ऑलवेज ईट बर्गर है ना और अगर आप अक्सर खाती हैं जब भी आप मार्केट जाएं या कभी रेस्टोरेंट तो खाती तो आई ऑफन ईट बर्गर वेरी गुड मोनिका सर आई ऑलवेज ईट फूड
आई नेवर ईट बर्गर, आई समटाइम वॉच टीवी. यस यस प्रियांजी जैन, यस यस प्रियांजी जैन. ओके सर, आई ऑलवेज टू ईट बर्गर. आई ऑलवेज ईट बर्गर. अगर नहीं खाती हूँ तो बोलोगे आई नेवर ईट बर्गर. ओके या माधवी, आई ऑलवेज ईट फूड. आई नेवर ईट बर्गर. आई ऑलवेज स्लीप. ओके वेरी गुड. अरुणा दुबे, आई ऑलवेज ईट हेल्दी फूड एंड रेयरली ईट जंक फूड. अरे वाह वेरी गुड अरुणा दुबे. अरुणा दुबे यू हैव गिवन अ वेरी गुड एग्जांपल, an absolute correct example. I need this type of example. अरुणा एग्जाम्पल दिया, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि उसने दोनों चीजों को कर दिया. I always eat healthy food and rarely eat junk food. That's mean never को हम इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि हम कभी कभी तो खा ही लेते हैं बहुत ही कम या मुश्किल से. ठीक है ओके वेरी गुड. एंड एनी अदर एल्स हु वांट टू से, एनी अदर हु वांट टू से, गुंजन, माहिर जैन, पिंकी सैनी. सर आई नेवर ईट पिज्जा. ओके नेम प्लीज. यश पोदार. ओके वेरी गुड. सो अभी हम लोग आते हैं तो अभी ऑलवेज नेवर और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया आई थिंक. यस सर. अभी हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं. तो अगर आपने टॉपिक देखा होगा ऐप में तो हमारा जो अगला टॉपिक था हाउ ऑफन डू यू, सो उसको समझाने के लिए पहले मुझे अपनी स्क्रीन को शेयर करना होगा और व्हाइट बोर्ड पे ही मैं इसको समझाऊंगा. सो ज्यादा अच्छा रहेगा. पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं. अभी कोई भी व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखेगा. हाउ ऑफन डू यू द टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हाउ OFTN ऑफन. ओके अभी मैंने हाउ ऑफन डू यू उसके बाद यहां पर डैट डैश कर दिया है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया. यहां पर आपको केवल एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़नी होगी लाइक दिस. यहां पर आपको क्या करना होगा, ठीक है, वो आपको जोड़नी होगी हाउ ऑफन डू यू के बाद. तो हाउ ऑफन डू यू एक क्वेश्चन है अगर आपको किसी से पुटअप करना है. सक्षम प्लीज डोंट दिस, सक्षम इरेज दिस, सक्षम. ओके थैंक यू. सो अभी आप अक्सर एक क्वेश्चन करते हो किसी से कि हाउ ऑफन डू यू प्ले, इसका मतलब है आप कितना खेलते हो. हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट, आप मार्केट कितनी बार जाते हो. तो हम किसी से मतलब पूछ रहे हैं फ्रिक्वेंसी कि आप कितना जाते हो, कितना करते हो, कितना खाते हो, है ना. तो वहां पर जब हमें किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप करना था तो हाउ ऑफन डू यू लगाते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी से पूछना है कि तुम कितनी बार दूध पीते हो, तो हम उसको बोलेंगे हाउ ऑफन डू यू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीने की ड्रिंक और क्या पीना, मिल्क. सो हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक मिल्क. अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कितनी बार मार्केट जाते हो, तो यहां पर लिखूंगा हाउ ऑफन डू यू जाने की गो, कहां जाने की, मार्केट. हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट. अगर तुम्हें किसी से पूछना है कि तुम कितनी बार खेलने जाते हो, कितनी बार पढ़ते हो, कितनी बार खाना खाते हो, इस तरह के अगर हमें क्वेश्चंस पुट अप करना है तो वहां पे हम हाउ ऑफन डू यू का यूज करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं. ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं.
यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सर ले ली। हाँ अभी क्या करना है, हाँ अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ इसको कैसे बनाया जाता है। मैं फर्स्ट क्या लिखूंगा, हाउ ऑफन, ओ एफ पी एन, हाउ ऑफन डू यू प्ले, दैट्स मीन आप कितनी कितना खेलते हो या कितनी बार खेलते हो, या हाउ ऑफन डू यू ईट, आप कितनी, हाउ ऑफन डू यू ईट, आप कितना खाते हो या कितनी बार खाते हो, है ना। तो यहां पर हम और भी करते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं तो ईट आउट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हाउ ऑफन डू यू प्ले, हाउ ऑफन, हाँ बट ये इंट्रोगेटिव होते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। हाउ ऑफन डू यू प्ले मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, हाउ ऑफन डू यू मेक पेंटिंग, हाउ ऑफन डू यू गो टू कॉलेज, ऐसे करके आप इनको बना सकते हैं। सिंपली हमें यहाँ पर हाउ ऑफन डू यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है। सर अगर हमारा क्वेश्चन पास्ट टेंस का हुआ तो यहाँ पे डिड हो जाएगा बस, हाउ ऑफन डिड यू, बस सर डू का डिड वर्ब की फॉर्म नहीं बदलेगा। नहीं नहीं नहीं, जब हम डिड लगाते हैं तो डिड के साथ फर्स्ट ही फॉर्म लगती है। सो आप डू और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। यस देखिए, जैसे हम किसी से पूछते हैं हाउ ऑफन डू यू प्ले, तो यहां पर पूछने का मतलब है कि आप कितनी बार खेलते हो। हाउ ऑफन डू यू ईट, तो यहां पर पूछने का मतलब आप कितनी बार खाना खाते हो। आप अगर अगर कोई एक है और वो मार्केट जाता है दिन में तीन बार और आपको उससे पूछना है कि आप मार्केट कितनी बार जाते हो, तो हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट, ठीक है ना। ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाउ ऑफन डू यू कम टू क्लास, हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल, हाउ ऑफन डू यू मेक टी, चाय कितनी बार बनाते हो। तो ऐसे आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो जो आंसर देना होगा वो ऑलवेजी, जैसे अभी आपको ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सम टाइम करके दिया था, वैसे कोई दे देगा आंसर। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप करता हूं। सिंपल है, कोई टफ नहीं है, बस आपको हाउ ऑफन डू यू के साथ फर्स्ट फॉर्म से इसको जोड़ देना है, ठीक है। सो अभी मैं इसको स्टॉप करके आऊं और क्वेश्चंस पुट अप करूं। यस सर। सो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। नाउ प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क द क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू म्यूट ऑल द स्टूडेंट। ओके, सो नाउ सक्षम, यस सक्षम, ओके विनीता प्रतीक, यस सर, यस How often do you? इसको मैं एग्जाम, इसको साथ ऐड करके एक एग्जाम्पल दो। जैसे किसी से अगर तुम्हें पूछना है कि तुम कितनी बार चाय बनाती हो, या तुम कितनी बार घर की सफाई करते हो, या तुम कितनी बार खाना पकाते हो, या तुम कितनी बार खाना खाते हो, या कि तुम कितनी बार स्कूल जाते हो, या तुम कितनी बार मार्केट जाते हो, तो कितनी बार गेम खेलते हो, इतना तो मैंने बोल दिया हिंदी में, है ना। How often do you? ऐसे बोलो। How often do you? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। How often do you cook food? तुम अपनी किसी से जस्ट मोर, हाउ ऑफन डू यू कुक फूड, मतलब तुम कितनी बार खाना पकाती हो, है ना। हाउ ऑफन डू यू कुक फूड, ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। यस प्रियां जी, यस यस सर, मैं सुनाऊं? बिल्कुल श्योर सर, मेरा है, यस सर, हाउ
How often do you very we verb first from how often do you play? How often do you eat? Okay. Madhuri. How often do you play? How often do you go to market? How often do you go to school? How often do you go to park? Very good, very good. Okay, Khushi. Yes, sir. Yes. How often do you study? How often do you read a book? आप कितनी बार बुक पढ़ते हो, आप कितनी स्टडी करते हो, है ना? सो ये इस तरह से आप पूछ सकते हैं. नाउ माहिर जैन. ओके राम. रोशनी गुप्ता. Yes, how often do you? Example. I often do you go to playground. I often do you watch TV. I often do you go to market. Okay, very good. Okay. Tanvi Jain. Yes, sir. Yes. How often do you eat? How often do you reading? How often do you study? How often do you? Okay, okay, very good. Aditya Singh. Okay, Saksham. I am okay. How often? Go to market. How often do you study? How often do you go to market? How often do you play? How often? ऐसे how often do you करके verb लगा दो first form. Saksham, अभी आप first day है आपका यहाँ पे इसमें. Yes, yes. Name please. How often do you eat pizza? Very good. Name please. Yes, for that. Okay, yes. Very good, very good, very good. Now, Ujwala Jangi. Okay, Gunjan. Okay. So, अभी हम लोग चलते हैं अपने next topic पे, और अब हमारा है conversations. तो आज हम लोग आपने पूछा. अच्छा अरुणा. ओके अरुणा. यस प्लीज. हाउ ऑफन डू यू वर्शिप इन अ डे? वेरी गुड, वेरी गुड. एंड मोनिका. सर हाउ ऑफन डू यू ईट पिज्जा? हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी? ओके वेरी गुड. Okay, very good, very good. Okay, now let me share my screen and now the part of pronunciation. अभी हम लोग कुछ pronunciation skill सीखेंगे. मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पहले मैं इसको clear कर देता हूँ. अभी यहाँ पर मैं कुछ words लिखूंगा English में, उनको pronounce कैसे करते हैं आज मैं वो सिखाऊंगा. So पिछले मैंने कुछ आप लोगों को बताए थे, वो आपको memorize हैं कि नहीं, भूल गए हो आप लोग? है सर. है तो चलिए आज हम लोग कुछ दूसरे. हाँ सो नाउ द फर्स्ट वन इज forgetting. वन थिंग forgetting. सो इसको हम लोग फॉरगेट बोलेंगे, फॉरगेट नहीं बोलेंगे इसमें. हाँ फॉरगेट. इसमें आर को साइलेंट कर लीजिएगा, ठीक है? सो फॉरगेट फॉरगेट फॉरगेट. ओके कैसे बोल रहा हूं मैं? Forget. Forget. हाँ, आप इसको forget नहीं बोलोगे तो बहुत से स्टूडेंट इसको forget बोलते हैं. तो forget is a wrong pronunciation. The right pronunciation is that forget.
है ना, कैसे मैं बोल रहा हूँ, फॉरगेट। ओके सेकंड पे आता हूँ, सेकंड पे आता हूँ, और सेकंड है शायद इसको मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, बी ओ डब्ल्यू एल, इसको बताया था आप लोगों को? नो सर, नहीं बताया था। इसे डोंगा होता है कटोरा, तो इसको बहुत से स्टूडेंट बाउल बोलते हैं, तो कहते हैं बाउल लाओ, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज दैट बोल, नॉट बाउल, बोल बोलेंगे, हाँ बोल। दिस इज फॉरगेट, दिस इज बोल, फॉरगेट एंड बोल। थर्ड जो है डी ए टी ए, इसको हम लोग डेटा बोलते हैं, डाटा नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डेटा। सो ऑलवेज प्रोनाउंस डेटा नॉट डाटा। आपने बता दिया था पहले बता दिया था, ओके फॉरगेट, ओके फर्स्ट, हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं एक बार आप लोगों से इसको, द फर्स्ट वन इज फॉरगेट, सेकेंड वन इज बोल, एंड द थर्ड वन इज डेटा। अभी हम आते हैं अगले स्टेप पे, ओके सो जो हमारा अगला प्रोनाउंसिएशन है, जैसे हम लोग फॉरगेट बोलते हैं, तो ए डबल एल, इसको बहुत से जन आल बोलते हैं, बट ये ऑल होता है, नॉट ऑल, ऑल, इसे ऑलवेज बोला जाता है, ऑलवेज नहीं बोला जाता है।